हेलो सलाम कुंदा, मेरा नाम है रमज़ान। वो आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल रमज़ान लवर के ब्लॉग्स। तो अभी फ़िलहाल सीन ऐसा है कि अभी ये जो बैकग्राउंड देख रहे हैं आप जंगल का, ये सीन है झारखंड का। झारखंड में किस जगह हूँ आप लोगों को बताता हूँ, गढ़वा। गढ़वा से ये झारखंड में ये गढ़वा सिटी है, इसका एरिया है, सिटी का नाम गढ़वा है और जो जगह है गाँव का नाम दलेली है। तो आप लोग एक बात और मैं आप लोग बता दूँ कि रेणुकूट में क्या है कि मेरी खाला की लड़की आई थी, तो उसको घर पे छोड़ने के लिए भी ड्रॉप करने के लिए मैं यहाँ से रेणुकूट से उसके घर पे आया हूँ। और ये जगह देख कर के आप लोग को काफ़ी ज़्यादा घूमने का मन करा हुआ। तो ये जो प्लेस आप देख रहे हैं, एक तरफ से देखा जाए तो पिकनिक प्लेस के लिए बेस्ट है, जो कि काफ़ी मस्त है। देख सकते हैं आप लोग यहाँ का नज़ारा पीछे साइड में, मतलब कि घूमने लायक। 1 जनवरी को चाहे लास्ट दिसंबर तक भी ये घूमने के लिए चाहे पिकनिक के लिए ये जगह काफ़ी ज़्यादा बेस्ट है। लेकिन यहाँ पे इतना जंगल है कि आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पर देखने पे एकदम दूर दूर तो देखेंगे तो आपको ऐसा लग रहा है कि कोहरा, जैसे सुबह सुबह नहीं गिरता है कोहरा, वैसा आपको दिख रहा होगा। जो कि अभी टाइमिंग हो रहा है दोपहर का समय हो रहा है, तो देख सकते हैं कि दोपहर का समय में ये कोहरा दिख रहा है आपको। सोच लीजिए कि इतना दूर तक जंगल है और उस जंगल में जो मार्केट में धुआं प्रदूषण जो होता है, उस प्रदूषण की वजह से ये आपको कोहरा दिख रहा है, जो दूर दूर तक ये सब कोहरा दिख रहा है आपको। और मैं यहाँ पे आया कैसे हूँ मैं आप लोगों को बताता हूँ कि रेणुकूट से मैं सुबह निकल चुका था 8 बजे रेलवे स्टेशन पे रेणुकूट के, और वहाँ से रांची चोपड़ा एक्सप्रेस ट्रेन पकड़ा, और ट्रेन पकड़ने के बाद सीधे चला गया मैं गढ़वा। और गढ़वा जंक्शन से सीधे पहुँच गया, टेम्पो पकड़ने के बाद सीधे आ गया घर पे। घर पे आने के बाद खाना पीना खाने के बाद कंप्लीट रेडी होने के बाद उसके बाद अभी मैं आ चुका हूँ जंगल में। तो गुड़िया आई थी, तो गुड़िया भी मेरे साथ आई थी, तो गुड़िया रुकी हुई है अभी उधर पे। वो जो आपको दिख रहे हैं लोग वहाँ पे हैं, बाकी उनकी अम्मी जान भी है, तो बाकी वो तो सब उधर घूम टहल रहे हैं। बाकी मैं जगह पर आके इधर वीडियो शूट कर रहा हूँ। पीछे में ये जो सीन आप लोगों को दिख रहा है, ये ऐसा है कि मेरे गांव पे जब अगर आप मेरे गांव का वीडियो देखेंगे तो उसमें क्या है कि ये जो पहाड़ है ये खैरा पहाड़ से काफ़ी ज़्यादा छोटा है, तो उतना बड़ा नहीं है। बट मेरा जो गांव का है खैरा पहाड़ है वो इससे भी काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। हाइट पर जाने के लिए आपको कम से कम वहाँ पर खैरा पहाड़ जाने पर कम से कम 3-3.5 घंटा लग जाता है, कम से कम मैक्सिमम इतना जाने में 3 घंटा। मतलब जैसा आप रफ्तार से चलेंगे वैसे आप टाइमिंग में पहुंच जाएंगे। मैक्सिमम मतलब कि 2.5 से 3 घंटा मैक्सिमम यह आपका टाइमिंग है जो वहाँ चढ़ने का सबसे हाइट पे। और ये आप जो देख रहे हैं ये पिकनिक के लिए बेस्ट ऑप्शन भी है, प्लस ये कि इधर अगर आप इसको पार करके चले जाएंगे, इस पहाड़ को जब पार करेंगे उस साइड पीछे साइड में, तो आप सीधे चले जाएँगे नवादा। नवादा एरिया में आप सीधे पहुँच जाएँगे, एंट्री कर लेंगे आप अगर इस पहाड़ से होते हुए निकलेंगे तो। और मैं आप लोग को एक बात और बता दूं कि यहाँ पर पे इस जगह बैठ करके आपको एक ऐसा फील हुआ कि अगर मैं रेणुकूट में अगर रहता हूँ तो रेणुकूट में वहाँ पे सिर्फ झोपड़ी घर बड़ा बड़ा मकान ये चीज़ें वहाँ पर ज़्यादा दिखता है, लेकिन यहाँ पे देखिए यहाँ घर कम और जंगल आपको ज़्यादा दिखेगा ये जगह इस एरिया में, देख सकते हैं जो कि कितना काफ़ी ज़्यादा जंगल है। ये देखिए हर तरफ चारों तरफ जंगल ही जंगल, और घर बहुत कम ही है इधर। लेकिन एक चीज़ और भी चीज़ यहाँ पे ये है कि आप वहाँ पर रेणुकूट में क्या कि एकदम शोर शराबा हल्ला गुल्ला गली मोहल्ला में चिल्लम चिल्ली वहाँ पे एक सुकून नहीं है, लेकिन यहाँ पे देखिए कोई डीजे नहीं, कोई साउंड नहीं, एकदम साइलेंट भरी लाइफ, एक सुकून भरी लाइफ अगर आप ऐसा जगह पर रहते हैं तो। ये आपका सिटी एरिया में और आउट ऑफ एरिया में आपका फ़र्क है रहने का। अगर आपको सुकून भरी लाइफ चाहिए ना तो आप ऐसे एरिया में रहिए, तब देखिए कितना मज़ा आता है आपको। अगर आपको भाई चिल्लम चिल्ली चाहिए तो सिटी एरिया सही है। तो हम लोगों के साथ एक भाभी भी आई थी, तो भाभी ये जो आपको रूम दिख रहा है इसी जगह पर रुक गई हैं। तो आई होप कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, दिल से सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय, टेक केयर, खुदा हाफिज़।